सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजस्थान जीके क्वीज नंबर 52 में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं मैं, सरसों की खेती सर्वाधिक किन जिलों में की जाती है? तीन तीन जिलों का युग्म दिया है, उत्तर सोचना है आपको। और ये क्वेश्चन LDC 2018 में पूछा गया था, तो इसका सही जो उत्तर है, यानी सर्वाधिक सरसों की खेती जो की जाती है वो श्रीगंगानगर भरतपुर अलवर में की जाती है, तो ऑप्शन ए सही है। और श्रीगंगानगर की बात की जाए तो राजस्थान का ये अन्न भंडार है। आगे बढ़ते हैं हम, राजस्थान का वह जिला जो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक जहाँ गोंद उत्पादन होता है, उत्तर सोच लिया होगा आपने। और गोंद उत्पादन के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो बाड़मेर है, यानी बाड़मेर का जो चौटन है वहाँ पर गोंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, चौटन बाड़मेर। आगे बढ़ते हैं हम, निम्न में से वागड़ का चीकू कहलाता है, तेंदु, महुआ, टिमरू, खसखस। तो सही उत्तर होगा जो वागड़ का चीकू है वो टिमरू है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और तेंदू की बात की जाए तो तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है किसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, तो तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है, और पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। आगे चलते हैं हम, वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। और राजस्थान में नई वन नीति कब घोषित की गई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो की गई थी 18 फरवरी 2010 में की गई थी, यानी 18/2/2010, यानी 18 फरवरी 2010 में राजस्थान में नई वन नीति घोषित की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम, प्रदेश की किस रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण नीति अपनाई थी? तो किस रियासत ने अपनाई थी, तो सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण नीति अपनाई थी, जो अपनाई थी 1910 में, 1910 में, 1910 में जोधपुर ने वन संरक्षण नीति अपनाई थी। और उस समय जोधपुर के राजा कौन थे, तो महाराजा सरदार सिंह उस समय जोधपुर के राजा थे। आगे चलते हैं हम, राज्य का प्राचीनतम टाटा नगर कहा जाता है? 5 से 10 सेकंड का समय है, ऑप्शन को पढ़कर ध्यानपूर्वक उत्तर दीजिए। तो उत्तर सोच लिया होगा, और सही जो उत्तर है वो है रेड सभ्यता को राज्य का प्राचीनतम टाटा नगर कहा जाता है, और यह सभ्यता है ये टोंक में डील नदी के किनारे विकसित हुई है, जिसका उत्खनन पूछा जाए किसने किया, तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। और कब किया था, तो 1938 से 40 के मध्य किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, आर्य सभ्यता नहीं है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ये हम अन्य नाम कह सकते हैं, तो कौन सा अन्य नाम आर्य सभ्यता का नहीं है वो आपको पता लगाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, आगाटपुर आर्य सभ्यता है, धूलकोट को भी आर्य सभ्यता है, और ताम्रवती नगरी आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता है ये भी, लेकिन जो नगरी है वो आर्य सभ्यता नहीं है, क्योंकि नगरी चित्तौड़ में बेडस नदी किनारे विकसित हुई है, और बाकी सभी जो नाम है वो आर्य सभ्यता के उपनाम है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे, नगरी है वो आर्य सभ्यता का उपनाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिरभोज या महेंद्रपाल। तो सही जो उत्तर है
यानी प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो वत्सराज है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और वत्सराज जो है ये देवराज व भूमि देवी का पुत्र था जिसने पाल शासक धर्मपाल को भी हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाल शासक धर्मपाल को किसने हराया, तो वत्सराज ने हराया था और प्रतिहार वंश का ये वास्तविक संस्थापक है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल व महीपाल का दरबारी कवि था, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। राजशेखर था, हरिभद्र था, कल्हण था या विल्हण था? तो उत्तर सोच लिया होगा आपने, और सही जो उत्तर है वो है राजशेखर जो है वो महेंद्रपाल और महीपाल का दरबारी कवि था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, वित्तशाल पंजिका, उसी के साथ प्रबंध कोश नामक जितनी भी सभी रचना है ये सभी राजशेखर की प्रसिद्ध रचना है। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? 5 से 7 सेकंड का समय है। तो सही उत्तर होगा कृष्णा कुमारी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, मेवाड़। और जो कृष्णा कुमारी है ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो जहर पीने के कारण हुई थी। और इन्हें जहर किसने दिया, तो इन्हीं के पिता महाराणा भीम सिंह ने इन्हें जहर दिया था, किसी विवशतापूर्ण स्थिति में आकर उन्हें ऐसा करना पड़ा था। आगे चलते हैं, प्रश्न आपके सामने है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए क्योंकि जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और गलत करके आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मेवाड़ का खजुराहो, ना कि राजस्थान का खजुराहो, तो उत्तर सोच समझ के दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 5 से 7 सेकंड का समय। तो सही जो उत्तर है यानी मेवाड़ का खजुराहो जो है वो जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो जगत अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है, यह उदयपुर में स्थित है और उदयपुर के भी जो जगत ग्राम यानी जगत गांव जो है वहाँ पर यह मंदिर स्थित है। और निर्माण किसने करवाया, पूछा जाए निर्माण किसने करवाया, तो बप्पा रावल ने जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं हम। एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? उत्तर सोचिए। तो सही उत्तर होगा महाराणा रायमल ने एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था, और लेकिन वर्तमान स्वरूप जो दिया था वो महाराणा रायमल ने दिया था। और बात की जाए एकलिंग जी मंदिर की, तो ये राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान में लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मंदिर क्या है, तो एकलिंग जी मंदिर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो पारित दुर्ग की श्रेणी में आता है? उत्तर सोचिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पारित दुर्ग क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पारित दुर्ग वह दुर्ग होता है जो चारों तरफ से परकोटे से घिरा हो, तो निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो चारों ओर से परकोटे से घिरा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं गागरोन जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है ना कि पारित दुर्ग है, और रणथंबोर और आमेर और कुंभलगढ़ ये सभी गिरी दुर्ग है, लेकिन जो परकोटे से गिरा है वो केवल कुंभलगढ़ है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है, कुंभलगढ़ जो है वो पारित दुर्ग है। और इसी के साथ ये गिरी व वन दुर्ग भी है और ये चारों ओर से 36 किलोमीटर की दीवार से गिरा है, यानी दीवार से सुरक्षित है, 36 किलोमीटर की दीवार से यह सुरक्षित है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन में आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स है वो सभी मैं आपको बताता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, संत हरिराम दास जी की किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी संत हरिराम दास जी किस संप्रदाय से संबंधित है? 4 संप्रदाय के नाम आपको नीचे दिए हुए हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। और इनका जो जन्म हुआ था वो सियतल बीकानेर में हुआ था और ये संत
राम जी की भक्ति करते थे। ये जो संत है ये राम भगवान की भक्ति करते थे, और ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। राज्य में कामधेनु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राज्य में जो कामधेनु महोत्सव मनाया जाता है ये पथमेड़ा गौशाला मनाया जाता है, जो कि जालौर में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर जालौर में कामधेनु महोत्सव मनाया जाता है, और जो पथमेड़ा गौशाला है इसका जो पूरा नाम है वो श्री पथमेड़ा गोदाम मा तीर्थ आनंद वन है। क्लियर आपको? आगे चलते हैं हम। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? ये भी कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान का छोटा रामदेवरा, न कि छोटा रामदेवरा। अगर आपसे पूछा जाए छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है तो वो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन अगर गुजरात दे दिया होता तो हम काफ़ी बार गुजरात कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछा गया है। क्वेश्चन को बड़े बड़े ध्यान से पढ़िए। तो सही उत्तर है राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है, जिसे द्वितीय रामदेवरा भी कहा जाता है, वो अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, और अजमेर के भी खुड़ियास कस्बे में ये स्थित है। ठीक है, सभी पॉइंट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो उत्तर सोच लिया होगा। बात की जाए मानसिंह की, तो मानसिंह प्रथम के समय ये राजस्थान में आई थी, यानी मानसिंह इन्हें राजस्थान में लेकर आए थे। लेकिन इस ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को हम सही करेंगे, राम सिंह द्वितीय के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं हम। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर सोच लिया होगा, और सही जो उत्तर है वो है राजस्थान का चंद्रशेखर जोरावर सिंह बारहट को कहा जाता है। और इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए थे, इसी कारण इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। और जो हार्डिंग बम कांड है वो इन्हीं ने किया था, यानी हार्डिंग बम कांड इन्हीं के द्वारा किया गया है। और जोरावर सिंह बारहट के बारे में और भी बात की जाए तो केसर सिंह बारहट जो है और प्रताप सिंह बारहट जो है वे इनके भतीजे थे, यानी जोरावर सिंह बारहट इनके चाचा हुए। ठीक है, क्लियर आपको कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं हम। प्रश्न है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी रचना है? तो सही उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री की रचना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? डेरू, अलगोजा, खड़ताल, जंतर। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको जो वाद्य यंत्र संबंधित थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और वाद्य यंत्र संबंधित मैंने एक काफ़ी अच्छी वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपका जो पूरा वाद्य यंत्र संबंधित पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और बात की जाए डेरू की, तो डेरू क्या तार लगा वाद्य यंत्र है? अब तार लगा वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो तत्वाद्य यंत्र जो भी हैं वो तार लगे हुए होते हैं, यानी जिस पर तार लगा हुआ होता है। ठीक है, तो डेरू वाद्य यंत्र की बात की जाए तो एक अवनत वाद्य यंत्र है, और अलगोजा जो है वो बांसुरी के समान होता है, दो बांसुरी होती है, तो बांसुरी जो फूंक बजाकर बजाया जाता है वो सुशीर वाद्य यंत्र, वो फूंक वाद्य यंत्र होते हैं, तो वो तार लगा नहीं होता। और खड़ताल की बात की जाए तो खड़ताल जो है वो एक गण वाद्य यंत्र है, लेकिन जो जंतर है वो एक तत्वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें 5 से 6 तार लगे होते हैं। तो यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके जो पटवारी और कांस्टेबल एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।